Welcome to Nayi Subha's exciting world of stories, Timeless Tales, a fabulous initiative for all the story lovers out there. Brought to you by Nayi Subha, narrated by Hajra Saleem. हमारे एक मुलाजिम ने आकर मुझे बताया कि आपसे मिलने कोई मेम साहब आए हैं। मुझे बहुत हैरत हुई कि अचानक मुझसे मिलने कौन आ गया। जब मैंने उन्हें अंदर बुलाया तो उन्होंने निहायत गर्म जोशी के साथ खिलखिलाती हुई आवाज में अपना तारुफ करवाया। हेलो, मेरा नाम डॉक्टर इजाबेला ग्रांट है। मेरी उम्र 60 साल है और मैं नाबीना हूँ। मेरा ताल्लुक अमरीका से है और मैं अफ्रीका के 24 मुल्कों से सफर करती हुई अब एशिया पहुंची हूं। मैं यहां पैलेस होटल में ठहरी हुई हूं। खास आपका पता मालूम करके रिक्शे में बैठकर आपसे मिलने आई हूं। क्या मैं कुछ देर आपके पास बैठ सकती हूं? ये सुनकर मैं चौंकी और जैसे ही वो मेरे बराबर में आकर बैठी, मैंने उनसे पूछा, क्या आप बिल्कुल देख नहीं सकती? इजाबेला ने मुस्कुराकर जवाब दिया, नहीं, मैं टोटली ब्लाइंड हूँ। तो फिर आप सफर कैसे कर रही हैं? कोई है आपके साथ? हाँ हाँ, ऑस्कर है ना मेरे साथ। ऑस्कर कौन है? मैंने तजस्सुस से पूछा। क्या वो आपके साथ आए हैं? जी बिल्कुल, आए मैं आपकी मुलाकात करवाती हूँ। ये कहकर इजाबेला ने अपनी सफेद छड़ी मेरे हाथों में पकड़ा दी और बोली, मीट ऑस्कर माय वाइट केन। बेखबरी और गफलत की मीठी नींद से बेदार होना कैसा होता है, ये मैंने उस लम्हे जाना। खुद को मलामत करते हुए मैंने सोचा, डॉक्टर फातिमा शाह, तुम्हारे सामने बैठी हुई ये खुश मिजाज और पुर एतमाद औरत इस उम्र में नाबीना होने के बावजूद अकेले दुनिया का सफर तय कर सकती है, तो तुम सारा दिन इस सोफे पर पड़ी क्या कर रही हो? डॉक्टर ग्रांट ने मुझे बताया कि इन चंद दिनों में मैं काफी कुछ स्टडी कर चुकी हूँ, यहाँ के ब्लाइंड फकीरों का अड्डा भी देख आई हूँ। 2-3 इदारे हैं जो इनकी फलाह और बहबूद के लिए जिद्दोजहद कर रहे हैं, लेकिन वहाँ खैराती नहज पर काम हो रहा है जो हमदर्दी के नाम पर कपड़े और पैसे दे रहे हैं। ये नहीं चलेगा। हमने आलमी सतह पर एक मुहिम शुरू की है। मैं दुनिया भर से लीडर्स ढूंढ रही हूँ जो अपने मुल्क की नुमाइंदगी कर सकें। पाकिस्तान आकर इस खत्ते के लिए एक कायद ढूंढने की मेरी तलाश आज तुमसे मिलकर खत्म हुई। फातिमा, तुम्हें यहाँ नाबीनाओं के लिए एक अंजुमन की बुनियाद रखनी होगी, अपनी मदद आपकी तहरीक चलानी होगी। तुम एक सोशल वर्कर हो, मेडिकल डॉक्टर हो, पढ़ी लिखी हो, तुम ये काम बखूबी कर सकती हो। डॉक्टर ग्रांट की ये बातें सुनकर मुझे वो जूते याद आ गए जिन्हें जोड़कर मैं पॉलिश किया करती थी। वो सामाजिक कारकुन शायद अब भी मेरे अंदर कहीं न कहीं जिंदा था, मगर खौफ में जकड़ा हुआ था। इजाबेला, मगर मैं तो अब कोई काम नहीं कर सकती और मुझे तो माजूरों के मुतालिक कोई इल्म नहीं है। नहीं, मैं ये नहीं कर सकती। इस पर इजाबेला ने मुझे हौसला देते हुए कहा, फातिमा, लोग हमें रहम की भीख दे देते हैं, लेकिन हमें हमारे हुकूक कोई नहीं देगा। इसके लिए हमें खुद आवाज उठानी होगी, कदम जमाकर आगे बढ़ना होगा, नडर बनकर ये लड़ाई हमें खुद लड़नी होगी। उस दिन से मैंने वो अच्छे काम फिर से करना शुरू कर दिए। सबसे पहले मैं ट्रेनिंग और रिहैबिलिटेशन के लिए अकेले अमेरिका गई। उस सफर के दौरान एक साइक्लोन आने की वजह से मुझे कई जहाज बदलने पड़े। मुझे बहुत दुश्वारी हुई, बहुत तकलीफें उठानी पड़ी, लेकिन जब मैं बिल आखिर फीनिक्स पहुंची, तो एयर होस्टेस ने मुझसे पूछा, आपको कोई लेने तो आने वाला है ना? मैंने हंसते हुए उससे कहा, अगर आ गए तो ठीक है, वरना मैं इसी जहाज में बैठकर वापस चली जाऊंगी, क्योंकि इस तजुर्बे ने मुझे बहुत अच्छी तरह सिखा दिया है कि अकेले सफर कैसे किया जाता है। बस वो दिन था और आज का दिन है। मैंने भी इजाबेला की तरह कभी भी गाइड के साथ सफर नहीं किया,
वापस आकर 1960 में मैंने पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ द ब्लाइंड की बुनियाद रखी और 1984 तक बतौर सदर वहां अपनी खिदमात अंजाम दी। इस दौरान 1964 में बेगम राना लियाकत अली खान ने मुझे अमेरिका भेजा ताकि मैं वहां जाकर यूनाइटेड स्टेट्स प्रोग्राम फॉर द ब्लाइंड में दाखिला ले सकूं। मैं ऑल पाकिस्तान विमेंस एसोसिएशन, वर्ल्ड ब्लाइंड यूनियन और इंटरनेशनल फेडरेशन फॉर द ब्लाइंड की बुनियादी अराकीन में से थी और इनमें से इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड की दूसरी वाइस प्रेसिडेंट भी रही। मैंने हुकूमत पाकिस्तान को आमादा किया कि माजूर अफराद से मुंसलिक कानून में से उस शिक को हटाया जाए जिसकी वजह से हमें नौकरी नहीं दी जाती और ब्रेल को कानूनी तौर पर पाकिस्तान में राइज करवाया। मुझे पाकिस्तान में तमगाए इम्तियाज, बरतानिया में मलिका एलिजाबेथ के हाथों ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर और स्वीडन में तकियो आयवा हाशी अवार्ड से भी नवाजा गया। नाबीना होने के बाद और इस कम्युनिटी के लिए काम करने के बाद मैंने जाना कि हमें न रहम की ज़रूरत है और न हमदर्दी की। ये दोनों ही चीज़ें हमें नहीं चाहिए। असल ज़रूरत सिर्फ एक साइंटिफिक अप्रोच और अंडरस्टैंडिंग की है, क्योंकि हम सब अशरफुल मखलूकात हैं और ये सलाहियत रखते हैं कि हम एक दूसरे के मसाइल और ज़रूरियात को समझ सकें। और अपनी किताब डिसेबिलिटी सेल्फ हेल्प एंड सोशल चेंज में मैंने इसी मौजू पर रोशनी डाली है कि हम इन मुश्किलात को कैसे हल कर सकते हैं। आज मैं डॉक्टर फातिमा शाह आप सबके बीच मौजूद नहीं हूँ, लेकिन उस नजूमी की पेशेंगोई के मुताबिक मेरा नाम, काम और मेरी ये किताब दुनिया की तमाम लाइब्रेरीज में मौजूद है। टाइमलेस टेल्स में अब तक के लिए इतना ही। आपसे मुलाकात होगी एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अंटिल देन, आपकी समातों का बहुत बहुत शुक्रिया।